नमस्कार। देखिए, पिछले कई सारे दिनों से आप लोग लगातार मुझसे बोल रहे हैं कि सर हमें धौलहरा एक्सप्रेसवे का और धौलहरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइव काम दिखाइए। तो आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में मैं आपको धौलहरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके साथ साथ धौलहरा एक्सप्रेसवे का लाइव काम दिखाने जा रहा हूं। तो इससे दो चीज़ें आपको आज क्लियर करने वाला हूं कि धौलहरा एक्सप्रेसवे और धौलहरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने बड़े स्केल पर इनका काम शुरू हुआ है। फिलहाल आप देखिए, हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये धौलहरा के बाहर का रास्ता है और सामने की तरफ अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर धौलहरा एक्सप्रेसवे का लाइव काम मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, सामने बराबर इंडिकेशन भी डाल रखे हैं, डाइवर्सन भी डाल रखे हैं और पूरा सेफ्टी को ध्यान में रख के यहाँ पर काम को किया जा रहा है। आपको बता दें कि भविष्य में यहाँ पर एक इंटरचेंज को बनाया जाएगा और इसी इंटरचेंज से आप धौलहरा के अंदर और धौलहरा के बाहर एंट्री कर सकेंगे। आप देखिए कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर काम शुरू है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और आगे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं, बहुत सारी मशीन्स खड़ी हुई हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देखिए, भविष्य में ये पूरा रास्ता यहीं से जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनके तैयार होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि यह जो एक्सप्रेसवे है ये अहमदाबाद से धौलहरा की तरफ लगभग 110 मीटर की दूरी पर बनके तैयार हो रहा है और ये पूरा एक्सप्रेसवे शुरुआत में 4 लेन का होगा और ज़रूरत के हिसाब से इसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन धौलहरा स्मार्ट सिटी के अंदर इसकी है 10 लेन का रहेगा। 10 लेन मतलब कि अपने आप में एक बड़ा एक्सप्रेसवे धौलहरा स्मार्ट सिटी के अंदर बनेगा। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पे एक मशीन काम कर रही है बगल में, इस रोड को चौड़ा करने के लिए वहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे थे। अभी हम और नज़दीक में जा रहे हैं, वहाँ पर आगे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी कुछ मशीनें काम कर रही हैं, ट्रक खड़े हुए हैं और बड़े स्केल पर पूरा जो एरिया है, मैं आपको बता दूँ कि अभी ये धौलहरा के बाहर का एरिया है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं एरिया इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग सोचते हैं कि भाई धौलहरा के अंदर ही सिर्फ काम चल रहा है, धौलहरा के बाहर नहीं चल रहा है, तो वो लोग गलत हैं। आप देखिए, ये धौलहरा के बाहर का एरिया है और यहां पे बड़े स्केल पे काम शुरू हो चुका है, बड़े स्केल पे एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी के अनुसार यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 2023 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा, मतलब कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर यह एक्सप्रेसवे हमें ऑपरेशन लेवल पर काम करता हुआ दिखेगा। अब देखिए, मैं जहाँ जहाँ तक आपको दिखा रहा हूँ, जगह जगह पे दिखा रहा हूँ, जगह जगह आप देख सकते हैं कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं और बड़े स्केल पे पूरा काम यहाँ पर चालू है। यहाँ पर भी मैं अब आपको रुक के दिखा रहा हूँ, आप देखिए जगह जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे पूरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा हो, ये पूरे पार्ट वाइज हर जगह हर लोकेशन पर इसका बड़े स्केल पर काम शुरू है। देखिए, मैं सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पर ट्रक खड़ा है और कुछ मशीनें हैं, वहाँ पे गड्ढे खोदने का काम किया जा रहा है। मतलब जी कि जो फेज़ वन का काम है पूरे एक्सप्रेसवे का, वो अभी किया जा रहा है। जैसे कि भाई सीवेज, ड्रेनेज, डक्टिंग जो पूरे एक्सप्रेसवे के नीचे तैयार हो रही हैं, बगल में तैयार हो रही हैं, उनको वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और इंटरचेंज के लिए जो पूरी ज़मीन को लेवलिंग की जानी है वो लेवलिंग हो रही है और जगह जगह पर स्ट्रक्चर को भी तैयार किया जा रहा है, जिससे कि पूरा जो काम है वो एक पैरेलल बेसिस में चले और कहीं पर भी ऐसा ना हो कि भाई कम कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, एक पैरेलल बेसिस में चलेगा तो पूरे एक्सप्रेस वे जल्दी बनके तैयार होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता जा रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पे लगातार काम चल रहा है और ये अलग अलग लोकेशन का काम एक ही फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि यह पूरा एक्सप्रेस वे पैरेलल में अलग अलग लोकेशंस में एक साथ बनके तैयार हो रहा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह एक्सप्रेसवे 2023 तक लगभग पूरा बनके तैयार हो जाएगा। अभी तक मैं आपको धौलहरा के बाहर का काम दिखा रहा था, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको धौलहरा के अंदर का काम दिखाऊंगा। धौलहरा के अंदर भी आप देखेंगे कि बड़े स्केल पे काम चालू है। आप देखिए, हम धौलहरा के अंदर आ चुके हैं। आप देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जहाँ पे गाड़ी चल रही है वहाँ पे मशीनें हैं, लगातार ट्रक्स खड़े हुए हैं और हैवी मशीनरी का उपयोग करके इस पूरे एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज को तैयार किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पे जो कंक्रीट डाला जाता है, कंक्रीट के पहले जाल बिछाया जाता है सरियों का, वो जाल बिछाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। और भूमि अधिग्रहण का काम तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो ज़मीन में कोई कमी नहीं है, ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई अब ज़मीन अधिकृत करनी है इसलिए काम रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन इस पूरे एक्सप्रेसवे में नहीं आने वाला है, कुछ भी यहाँ पर एक लिमिटेशन नहीं आने वाली है, फ्रीली पूरा काम चलेगा क्योंकि ये पूरा अधिग्रहण किया जा चुका है। आप देखिए, यहाँ पर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, अब मैं रुक के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, पूरा जो स्ट्रक्चर है जो एक्सप्रेसवे के नीचे डलेगा उसको मजबूती देने के लिए बहुत ही मोटे सरिये हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको शायद वीडियो से वो आपको क्वालिटी समझ पा रहे होंगे उन सरियों की, लेकिन जो होता है एक हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए जो एक क्वालिटी होती है सरिया की, उसके स्ट्रक्चर की, वो उतनी ही क्वालिटी का ये सरिया है और बढ़िया ही क्वालिटी के साथ इसको बनाया जा रहा है और बहुत बड़े तादाद में ये पूरा एक्सप्रेसवे का काम शुरू है, बहुत बड़ी तादाद में इसको बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे के काम को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि भैया धौलहरा
अब रुकने वाला नहीं है। ये चीज़ मैं शुरुआत से लोगों से बोल रहा हूँ, कई सारे लोग जो कई कामों को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं उनको बार बार मैं ये चीज़ समझाता हूँ कि धुलेरा का काम नहीं रुकेगा। धुलेरा हमारे भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लस स्मार्ट सिटी है, और अगर यह काम रुकेगा तो आप समझिए कि शायद भारत का विकास रुक सकता है। इसलिए इस काम को मोदी साहब और मोदी सरकार रुकने नहीं देगी, और बाद में कोई भी सरकार अगर चेंज होती है तो वो भी नहीं रुकने देगी, क्योंकि सही मायने में जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस के टाइम पे ही लॉन्च किया गया था। तो अगर कई सारे लोगों के मन में नेगेटिविटी रहती है कि अगर 2024 में मोदी साहब चले गए या गुजरात में कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो मुझे लगता है कि शायद धुलेरा स्मार्ट सिटी पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। देखिए, लगातार मैं इस काम को आपको दिखा रहा हूँ, और एक चीज़ अब आप समझ जाइए, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिलेगा। हालांकि जो अगर आप एक साल लेट हो गए, डेढ़ साल लेट हो गए, छः महीने लेट हो गए, तो कुछ ना कुछ तो प्राइस बढ़ गया, लेकिन अभी उतना नहीं बढ़ा कि आपके बजट में ना हो। अगर बजट में है तो आप धुलेरा में निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ट्रक खड़े हुए हैं, और ये धुलेरा के अंदर का एरिया है, ये कोई धुलेरा के बाहर का नहीं है। धुलेरा के अंदर पूरा जो पैरेलल है TP2 ईस्ट तक का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। TP1 से मैंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूँ, ये पूरी जो जमीन है, जो यहाँ पे पेड़ पौधे अभी खड़े हुए हैं, भविष्य में यहाँ पर एक्सप्रेस वे रहेगा, और कुछ इसके पीछे का हिस्सा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पर आपने काम भी देख लिया। देखिए, वहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं और बहुत सारी मशीन्स वहाँ पर भी हैं, और लोग वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स वहाँ पे, इंजीनियरों की गाड़ी खड़ी हुई है। अब देखिए, पूरी जो जमीन है, पूरी जो भूमि है, उसको समतल कर दिया गया है, और लगातार JCB मशीन्स, क्रेन्स, लगातार बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी का उपयोग करके इस पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे के बाद मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाने जा रहा हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है, कई सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि भैया एयरपोर्ट का काम नहीं चल रहा है, यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो झूठी आ रही हैं, तो वो आज सारा सच मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अगर काम चल रहा है तो कितने बड़े स्केल में चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, यहां पर मैं अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी बड़े स्केल पे काम चालू है, भूमि को समतल किया जा रहा है, JCB मशीन्स और क्रेन्स काम कर रही हैं, और यहां पर भी आप देखिए बहुत सारे ट्रक्स हैं, वर्कर्स हैं, और एक साथ बड़े लेवल पे जो लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो रहा है। और एक बार फिर से बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे 2023 तक जहाँ तक है बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी के वर्ड हैं, तो जो नितिन गडकरी साहब कहते हैं मुझे लगता है कि वो जरूर ही पूरा करते हैं, और समय से पहले उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनके तैयार हुए हैं, तो उम्मीद है कि यह धुलेरा एक्सप्रेसवे भी समय से पहले ही बनके तैयार होगा। देखिए, कई सारे लोग अगर सोचते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उनमें के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि कहाँ पे करें, कैसे करें, किसके थ्रू करें, क्या प्रोसीजर रहता है, तो उसके लिए लगातार स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट रहता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे के काम को देखने के बाद अभी हम आ गए एयरपोर्ट की लोकेशन पे। अभी जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, आपको बता दूं कि ये धुलेरा के बाहर बन रहा है पूरा एयरपोर्ट। अब देखिए कितने बड़े स्केल पर यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन कई सारे लोगों ने एक वीडियोस जो यूट्यूब पे डाले थे वो ये बोल रहे थे कि भाई ये जो है वो रनवे बना रहे हैं, ये रनवे का काम नहीं है। आपको बता दें कि रनवे ऐसे नहीं बनता है, रनवे को बनाया जाता है कि जब पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का वो कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद रनवे को तैयार किया जाता है, लेकिन ये रनवे का काम नहीं है। आपको बता दूँ, ये जो काम मुझे नज़र आ रहा है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ये शायद जो काम है ये फ्लड प्रोटेक्शन का काम है, कि भाई अगर फ्लड वगैरह ऐसा कोई बारिश, हैवी बारिश होती है, हैवी रेन होती है, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल रिवर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं उसको तैयार किया जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट को कोई भी नुकसान ना हो, एयरपोर्ट में कोई भी पानी ना हो। अब देखिए, बड़े स्केल पर इसका काम शुरू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लड प्रोटेक्शन का ही काम चल रहा हो, रिवर वाइंडिंग का ही काम चल रहा हो, और भी कई सारे काम इस पूरे एयरपोर्ट के चल रहे हैं। आपको बता दें कि हम एक ही लोकेशन पर खड़े हैं, लेकिन ये पूरा एयरपोर्ट बहुत बड़े एरिया में बनकर तैयार हो रहा है, लगभग 4,000 एकड़ में यह पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, और जगह जगह पर यहाँ पे काम चल रहा है। आप देखिए, सामने की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, JCB मशीन काम कर रही है, आगे की तरफ कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पे ट्रक्स भी खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी काम चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे भी एक और लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारी JCB मशीन एक साथ काम कर रही हैं, और वहाँ पे एयरपोर्ट का सीवेज, ड्रेनेज और जो बेसिक काम है, बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हालांकि रास्ता नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, कच्चा रास्ता है, कंक्रीट डाली गई है, तो गाड़ी वहां जाना नामुमकिन है, इसलिए वहां नहीं जा सकते। देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, रिवर वाइंडिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है, ये आर्टिफिशियल रिवर काइंड ऑफ ही हो रहा है, ये ऐसा ही बनाया जा रहा है कि इससे
एक सुंदरता भी बढ़ेगी पूरी एरिया की, और अगर वह भी बारिश होती है, भी रेन होती है, तो पूरा पानी कंट्रोल में भी रहेगा। तो लगातार मैं आपको एयरपोर्ट का काम दिखा रहा हूँ, और मैं आपको फिर से बता दूँ कि एक ही एरिया में अभी आपको दिखा रहा हूँ, आगे की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर रोड रास्ते नहीं हैं। कभी भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको वो काम दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो काम मैं दिखा रहा हूँ ये भी एयरपोर्ट का ही काम है। तो अब जिसके मन में भी डाउट था कि भाई एयरपोर्ट का एक्सप्रेसवे का काम शुरू नहीं हुआ है या फिर शुरू हुआ है तो छोटे स्केल पर हुआ है, आप देख लीजिए ये पूरा काम जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक डेढ़ महीने का काम है। आप एक डेढ़ महीने में आप देख सकते हैं कि फ्लड प्रोटेक्शन का काम उन्होंने पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया है। आप देखिए बहुत बड़े स्केल पे काम शुरू है। और मैं फिर से बता दूं कि जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका काम 2024-25 तक फर्स्ट फेज का उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट फेज जो हमारा ऑपरेशनल होगा इस पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो 2024-25 तक हो जाएगा। फिर से बता दूं, अगर आप में से कोई भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो धुलेरा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धुलेरा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़े तादाद पर काम चालू है। अगर आपने इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी तो उस ग्राउंड रिपोर्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं जो सारे काम हो रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो टाटा हो, रिन्यू पावर हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो ABCD बिल्डिंग का काम हो, चाहे फिर आपका आर्टिफिशियल रिवर का काम हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम हो, टोरेंट पावर का काम हो, ये सारे काम धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर हो रहे हैं और आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट भी हो चुके हैं। अगर आपको वो काम देखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में अगर मैं वो काम तो यह वीडियो बेहद ज्यादा लंबा हो जाता। तो एक बार जाते जाते फिर से बोल देता हूं कि अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इन्वेस्टमेंट में पूरी मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।